छेड़े। निकाह की रात को पूरे महल ने इस घर की इज्जत का जनाजा उठते हुए देखा। अरे इतनी देर लगा दी, और पलबशा कहाँ है? मैके में। मैके में? तुमने डॉक्टर के पास ही लेके जाना था उसे, वो वहां क्यों रुक गई? अब पहले ही मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, वो बाइक अलग पंक्चर हो गई थी, घसीटता हूँ घर पे लेकर आया हूँ, और तुम अपने सवाल जवाब नहीं शुरू कर देना। अरे मैं तो पूछ रही थी क्योंकि सिकर हो रही थी, वो मैं खाना लगा रही हूँ, तुम बाहर आ जाओ। मैं नहीं खाऊंगा, खुद ही खाओ, सो जाऊंगा बस। की रात को पूरे महल ने इस घर की इज्जत का जनाजा उठते हुए देखा। बार भी कॉल करके नहीं पूछा लेने क्यों नहीं आया। उस शख्स के लिए भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें छोड़ के चला गया। हद हो गई भाई, है कोई बात है? यानी तुम उसकी बहन के लिए रिश्ते तलाश कर रही हो, एक एक पाई जोड़ के ट्रक के पैसे इकट्ठे किए, और उसकी नजर में तुम्हारे तुम्हारे बाप की कोई इज्जत ही नहीं है। चलो मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, ठीक है बनता है। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी जगह यानी मेरे घर की जगह तुम्हारा अपना कोई सिलाई सेंटर होता तो इतना छोड़ के जाता तुम्हें वो? अब बोल नहीं रही हो, बोलो। पल्लो पल्लो फोन कहाँ है? तो बेहोश हो गई लग रहा। फिजा जी, अरे फिजा ये खाना क्यों नहीं लगाया अभी तक? क्योंकि आप और मैं ही हैं खाने वाले। क्यों, आजर और पलवशा कहाँ है? पलवशा घर नहीं आई, और आजर का मूड ऑफ है और उसने कमरा अंदर से लॉक कर लिया है। ये पलवशा नहीं आई अभी तक? नहीं, मैंने आजर से पूछा तो उसने मुझे कह दिया कि वो अपने मैके में रुक गई है, और मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सो रहा हूँ। अम्मा मुझे लगता है दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है, आप कॉल करके पूछ लें ना। और पलवशा से नरमी से बात मत कीजिएगा, आपके बेजा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। अच्छा तू ऐसा कर, कमरे से जाके मेरा फोन लेकर आ। हाँ तो देखो। आजर आजर, अरे आजर दरवाजा खोल बेटा। ना वो सो चुका होगा, आप पलवशा से बात करो। चल जा रही है लेकिन उठा नहीं रही। बस हमारे लिए कभी फोन की चार्जिंग नहीं होती नहीं है, कभी फोन अटेंड नहीं होता, लेकिन अदील साहब और मैडम के लिए 24 घंटे फोन रेडी रहता। आप
पलुषा को दोबारा कॉल करने के बजाय जफर अंकल को फोन करें, उनसे बात करें। हेलो, आजर की माँ बोल रही है। जी जी, मैं जफर अहमद, बलवशा का बाप। बल्लू की तबीयत खराब हो गई तो अस्पताल ले आए उसे। क्या? आप उसको आजर को बता दें। अच्छा, अरे आजर! क्या हुआ? अरे दरवाजा खोल बेटा, बलवशा की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। आजर! क्या हुआ बलवशा को? अरे क्या होना है, उल्टियों पे उल्टियां किए जा रही है, उठकर करके बेहोश हो गई है। और मैंने तुझे कहा था ना कि उसे घर लेकर आना है, तू उसे वहां पे छोड़कर आ गया। फोन किया था मैंने, जबर साहब ने उठाया है, और तू जरा ऐसा कर, फोन करके पूछना उसे किस अस्पताल में लेके जा रहे हैं। आज तो उसका चेकअप था ना, अरे तू क्यों नहीं लेके आया, क्यों छोड़ के आ गया तू उसे वहां पे? अल्लाह खैर करे, मेरी बच्ची का पता नहीं क्या हाल है। ये अल्लाह तू रहम कर देना, क्या करूं मैं? अल्लाह बलवशा, अरे सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसे इस हाल तक पहुंचाया। मेरी वजह से? मुझे इल्जाम मत दो। ये तुम्हारे करतूतों की वजह से उस पर जहरी दबाव पड़ा जिसकी वजह से यहाँ पहुंची वो। अरे कौन सी करतूत हैं? तुम्हारे बाप के वो ट्रक की वजह से ये सब हुआ है? सारी मेहनत तो उसने उसके लिए की है, खाने पीने का कोई होश नहीं, दिन रात एक कर दिया उसने, मैं ही फल फ्रूट ला के देता रहा उसे। फल फ्रूट? बलवशा का याग मारा था तुमने? वैसे तुम्हारे जैसा घटिया बाप ना मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। अरे वाह भाई, अपने बाप का ट्रक भी प्यारा और पल्लों का बाप घटिया, ये घटिया बाप ही लेकर आया उसे अस्पताल। अरे तुम तो गुस्से में घर भी नहीं लेके गए उसे। कोई एहसान किया क्या तुमने? इतने पैसे, गाड़ी का कितना किराया लगा अभी क्या बताओ, सारे पैसा चुकाऊंगा मैं। अरे ये गले की जंजीर हिलाने से सब कुछ नहीं होता, कौन कौन से एहसान का बदला चुकाओगे? किराया? नोटिस साहब। अच्छा हुआ आप लोग बर वक्त उनका हॉस्पिटल लिया है, वरना मिसकैरेज हो जाता। क्या मिसकैरेज? जी, शी इज एक्सपेक्टिंग, ऑलमोस्ट 1 month हो चुका है। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और ऊपर से इन्होंने खाली पेट कोई पेन किलर भी ले लिए सर दर्द के लिए। I am sorry, मुझे मालूम नहीं था इस बात का, शायद मेरी बीवी को भी नहीं पता था इस बात। हाँ वो तो मरीजा की कंडीशन देख के लग रहा है कि उन्हें नहीं पता कि वो उम्मीद से हैं। अभी कैसी है वो? वो ठीक हैं, उन्हें ड्रिप लग रही है, कल डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन प्लीज आप उनके खाने पीने का ख्याल रखिएगा, इंटरली वो बहुत वीक है। जरूर, शुक्रिया। सर सब खैरियत है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? अरे ऐसे कैसे पेट में दर्द हो गया था कि बेहोश ही हो गई। और ये बता, तुम सांसें क्यों फूली होंगी? जल्दी बता, मुझे घबरा। अरे अम्मा तुम दादी बनने वाली हो। क्या सच? ए अम्मा बाजो, बलवशा का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा गड़बड़ उड़ता तो डॉक्टर ने। हाय शुक्र है मेरे मालिक, अल्लाह तूने एहसान कर दिया। अरे देखना जरा मैं कैसी पागल, अरे अंदाजा ही नहीं लगा सकी। एक बात बता, अंदाजा भी कैसे लगाती है? 8-8 घंटे तो वो घर से बाहर रहा करती थी, क्या खाती थी क्या पीती थी मुझे क्या पता। लेकिन एक बात बता दी, अब जो मैं उसके साथ करूंगी ना आजर, तू बीच में नहीं बोलेगा, जो खिलाऊंगी जो पिलाऊंगी बस तू बीच में नहीं बोलेगा। अरे खुदा ना खास्ता जान जाने की नौबत आ जाती तो बस पर अम्मा मैं तुम्हारे साथ हूँ बस। सही है? बस। सलाम। वालेकुम सलाम, मुबारक हो नाना बनने वाले हो। अरे आपको भी मुबारक हो समदन जी, तुम्हें भी मुबारक हो आजर। देर मुबारक, जा रहा हूँ मैं जरा बलवशा के पास। हाँ 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 बैठो। हाँ हाँ आ रहे, हम दोनों भी आ रहे। मैं भी मिठाई लेके आता हूँ, चमचम पसंद करी? अरे कुछ भी ले आओ। मैं अभी फोन कर लूँ जरा, बताऊँ मैं तो हाथ पाँव ही भूल गए। अरे फिजा ऊपर ठीक है, और ऊपर करूँ? ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मैं तो रात से इतना एक्साइटेड थी कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़ के आ जाऊं। कसम से अम्मा ने जब से खुशखबरी दी है ना, मेरी तो आग ही नहीं लगी। बहुत बहुत मुबारक हो पलवशा। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो आजर। मुबारक।
बच्चों के नाश्ता लेकर आ गई, बहुत ही भूख लग रही थी। अरे हाँ ये लो ना, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम अपना और हमारा दोनों का नुकसान करने वाली थी। बस आप लोगों की दुआओं का करम। अरे दुआ तो अम्मा को मुझे देनी चाहिए, मैंने ही उन्हें तवज्जो दिलाई थी कि इतने दिन से कोई खुशखबरी की खबर नहीं सुनी, तो दुआ ही मांग लें। फिजा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, उसके बाद से तो मैंने इतनी अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, इतनी मांगी गिड़गिड़ा के, बस ये मेरी दुआओं का नतीजा है। शुक्र है मालिक, एहसान है तेरा। चेकअप कराने की नौबत भी नहीं आई, फौरन पता चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज़र सुन, घर जाती ना एक काला बकरा ले आना, सदका करना है मुझे। ये चलो, शाबाश। अरे बस हमारा एक सिप काफी है। चुप कर जा, तुमसे नहीं किसी ने पूछा कि कितना काफी है। अरे सुना नहीं डॉक्टर क्या कह रहा था, खून की बहुत सख्त कमी है, अब तुम्हारे खाने पीने का सारा ख्याल मैं रखूंगी। और हाँ, ये जो तुम सेंटर जाती हो ना काम करने के लिए, ये सब कुछ बंद, सारे काम घर से ही होंगे। अरे ये फोन है ना, इससे करना। और वो क्या कहते हैं, अरे वो किताब की तरह से जो खुलता है, लैपटॉप, हाँ बस उसमें देख के सारे काम घर में बैठ के करना। और भाई कहीं बहुत जरूरी काम हो ना आने जाने के लिए, तो आज़र लेकर जाएगा और आज़र ही वापस लेकर आएगा। बस मैं तो मालिक से दुआ करती हूँ कि खैर खैरियत से बच्चा हो जाए, मैं देखभाल करूंगी बच्चे की, और तुम दोनों मियाँ बीवी जो जी में आए करना भाई। अम्मा वो सदके का बकरा दे दिया था, मिठाई भी ले आई। ठीक है, इंशाल्लाह सारे महल्ले में तकसीम करूंगी। और वैसे भी जफर मियाँ ना छटांग बराबर मिठाई लेकर आए थे। खैर अच्छा देख, इधर बैठ जा, इधर बैठ है, और जरा ध्यान करना कि ये जो बिलवशा है ना ये पूरी प्लेट खत्म करे, समझ आ गई ना, खिलाना है इसको। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक। मैं तो जान ही निकाल दी थी बलोचा। अब छोड़ के तो चले गए, आवाज देकर रोक लेती, निकाल कर लेती। आवाज गैरों को दी जाती है, अपनों से तो बस ये उम्मीद रखी जाती है कि वो हर हाल में आपके साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारे अब्बा पर ना मुझे शदीद गुस्सा था, और उससे भी ज्यादा गुस्सा तुम पर, ना उनकी तरफदारी की, तुम्हें उनका नहीं बल्कि मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम तो बारहा ऐसे मौके आए हैं जब आपा ने बहुत जिद किया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा खामोश रहा। आज़र आप अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते, और मैं अपने अब्बा को नहीं छोड़ सकती। हमें इन्हें इसी तरह कबूल करना है। ये खून के रिश्ते हैं, छोड़ने से टूटते नहीं। मुझे तो अपने आप पर ही इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे ही नहीं पता कि मेरी बीवी उम्मीद से। इस बात का बदला मैं आपसे जरूर लूंगी। मैं क्या लगता है क्या होगा, बेटी या बेटा? मुझे क्या पता, बस एक दुआ कि अल्लाह ताला रहमत दे या नहीं, अच्छी सेहत और जिंदगी दे। भी सही, आमीन आमीन। ये खाला के इसके दोनों, एक दो तीन, ये जो हमारे पड़ोसी उनके जाएंगे, ये बराबर वालों के। अम्मा आपने आज़र से बात कर ली? अरे वक्त ही कहाँ मिला है,
अभी तो बेचारा उसे पलवशा को अस्पताल से लेकर आया, फिर उसके बाद दवाई लेने चला गया, और तो और वो सदके का बकरा देना था, मिठाई भी लेकर आया, बांटे भी खुद ही जाएगा मेरा बच्चा। तो मिठाई तो बाद में भी बांटी जा सकती है ना, आदर से बात तो कर ले। क्या हो गया तुझे फिजा, क्यों अकेले पे सरसों जमा रही है? अब देख, बसी को अपने बाप से बात करके जवाब तो देने दे। हद करती है अम्मा आप भी, आप ही ने मेरे जहन में ये बात डाली है कि फसी ने तुम्हारा हाथ मांगा है। जब मैंने ये बात कबूल कर ली और अच्छे दिनों की आस लगा ली, तो आप कह रही है अकेले पे सरसों जमा रही हो। मैंने कहा ना बात कर लूंगी, अभी ऐसा कर जा, राजा रजा के किचन में यखनी चढ़ा और सारी सब्जियां डाल देना उसमें। हाँ हाँ जा रही हूँ, मेरी जिंदगी में तो यही है ना, जब भी मेरी खुशी का मौका आता है हमेशा आजर की कोई ना कोई बात आड़े आ जाती है। अरे फिजा क्या हो गया तुझे, तू ही तो पीछे पड़ी हुई थी कि पलवशा माँ नहीं बनती है, कहीं बांझ ना हो, बड़ी ख्वाहिश है मुझे कि भाई के बच्चे को गोदियों में खिलाऊं। अरे अब जब तेरी भाभी उम्मीद से है तो अब तुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आजर से बात कर लेना, क्योंकि मुझे पता है इस रिश्ते में भी कीड़े निकालेगा वो। अरे आजर कुछ नहीं कर सकता, मैं बड़ी हूँ ना इस घर की, माँ हूँ मैं तुम्हारी। हाँ देख, हसी जब अपने बाप से बात करके जवाब देगा ना, तो दोनों बाप बेटे को मैं खुद बुलाऊंगी, ठीक है? चलो जा। सेम आंटी की बात, आदर की मामा। बात कर रहा हूं अम्मा, सीमा आंटी मेरे जवाब में इंतजार कर रही। उतावला क्यों हो रहा है? दवर हमेशा जानलेवा साबित होना चाहिए। माँ बेटी को बताएगी, किसी ने कॉल नहीं उठाई, फिर बेटी तुझे कॉल करेगी, मगर तब भी तूने कॉल रिसीव नहीं करनी। उनको पता चलना चाहिए कि शायद बाप राजी नहीं हो रहा और ये रिश्ता भी हाथ से गया। बात सुन मेरी, कश्मकश जितनी ज्यादा होगी फैसला भी उतनी ही इज्जत में होगा। और दूसरी बात, मेरी कान खोल के सुन, मंगनी की अंगूठी पहनाने तक आज़र को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि मैं और तू कौन है। लेकिन अम्मा, ज़ेबा आंटी को जब बताऊंगा कि आप राजी हो गए हैं तो वो अपने बेटे से जिक्र करेंगी और आज़र तो छानबीन में लग जाएगा। फिर मैं ऐसी चाल चलूंगा कि आज़र कुछ भी नहीं कर पाएगा, और बिफोर्स अगर वो छानबीन करे भी तो हमारा ये दूसरा कारोबार किस दिन काम आएगा? व्हाट्सएप के साथ किया मैंने शराकतदारी में ऑटो स्पेयर पार्ट का काम, हाँ, और तूने भी उसी कारोबार का जिक्र करना है। वहां के लोग मुझे बशीरुद्दीन अहमद के नाम से नहीं, अहमद साहब के नाम से जानते हैं, समझे? मान लिया पाप, अगर मैं शेर तो आप तो सवा से। अरे इस लड़के को देखो जरा, अरे ये एक दिन का वक्त लेकर गया था कि अपने अब्बू से बात करके जवाब दूंगा, अब दो दिन गुजर गए कोई खबर ही नहीं है, फोन कर रही हूँ तो फोन नहीं उठा रहा है। अरे मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैंने आज़र से बात नहीं की, वरना वो तो बैठ जाता बाल की खाल निकालने के लिए। जरूर इसने अपने अब्बा से बात की होगी, अब उसके अब्बा ही राजी नहीं होंगे, वजह होगी तुम्हारी बढ़ती हुई उम्र। अब इस तरह से आके नबियों के किस्से सुनाना और रिवायतें बताना और बात होती है, और उस पर अमल करना कुछ और। उसके अब्बा ही राजी नहीं होंगे, और वजह होगी तुम्हारी बढ़ती हुई उम्र।
सी फोन उठा लो। बात करो, मुझे बताओ तुम्हारे अब्बू ने क्या जवाब दिया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये तो मैं चाहता हूँ फिजा दीदी। पल्लो के अब्बा आ गए, पल्लो के अब्बा आ गए। कब तक ऐसे ही मुंह बना के बैठी रहोगी? ये मिठाई खाओ ना मेरे हाथ से। तो कोई बात नहीं, अगर वक्त पे अस्पताल ना पहुंचते ना तो हमल जाया हो रहा था। डॉक्टर कह रहे थे तो ये तुम्हारी सास इतने सदके वारी जा रही है ना तुम्हारे, वो तो मैं मनहूस बांट और बदकिस्मत कहती। आराम से बैठ जाओ। जो नहीं हुआ मैं उसके बारे में क्यों सोचूं अब्बा, जो हुआ है ना मैं वही बात करना चाहती हूँ। हुआ है नहीं समझ नहीं आई, क्या मतलब? मतलब यही कि हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी सईदा संभालेगी। ऑर्डर्स मैं घर से रिसीव किया करूंगी और डिजाइंस भी यहीं बन जाएंगे। हफ्ते में 2 दिन सिलाई सेंटर का चक्कर लगाऊंगी, मटेरियल कैसा होगा इस पर डिस्कशन होगा और फिर कारीगर लड़कियां खरीद कर लेंगे। और मैं इस उसमें कारकर्दगी के बाद मुझसे काम नहीं लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको आपका किराया मिल जाया करेगा, बाकी आप अपनी दुकान संभालें। हेरा फेरे से इतना तो जमा कर ही लिया होगा आपने कि दुकान में फिर से सौदा भर सके। तुम भी बोलो है, घर है बाप की बेइज्जती कर रही हो। याद रखो, याद तो मैं भी रखूंगी कि बिजनेस में रिश्तेदारी नहीं चलती, क्योंकि अगर चलती तो मेरा पहला रिश्ता कर्ज के बस तय ना होता। मैंने आंख बंद करके आप पे अंधा एतमाद करना चाहा और आपने मुझे अंधा ही समझ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, खाली मिठाई और सेब अपने पल्ले से लेके आया हूँ, लिख लेना इसको भी किसी हिसाब किताब में। बाप बेटे के रिश्ते में एक बार फिर बेटे की मोहब्बत को मात हो गई। आजर के घर पहुंच गए। पापा, आजर की गली से निकल रहा हूँ। पता चला स्टोर पे काम चल रहा है, वो स्टोर पर ही हाँ। ठीक है, आप लगे रहो। ठीक है।
मैं फसीउद्दीन का बाप बशीरुद्दीन अहमद, सब लोग मुझे अहमद साहब कहते। अरे अब आइए ना, तशरीफ लाइए। लेकिन उसी ने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले हैं, और सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। अब वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर किसी लड़की का सलीका देखना हो तो उसका बावर्ची खाना देखो, और अगर उस लड़की का अखलाक देखना हो तो उसकी माँ को देखो। मैं पुरानी सोच का आदमी हूँ, आपको बगैर बताया उसके लिए माजरत चाहूँ। आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। अरे सर, मुझे आपकी सोचना बहुत अच्छी लगी है, मैं भी उसी पुरानी पीढ़ी से हूँ। माशाल्लाह, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आइए ना, आप तशरीफ लाइए। गाड़ी में मिठाई का टोकरा पड़ा है, वो किसी बच्चे से बोलकर निकलवा लीजिए। जी जी, वो भी निकलवा लूंगी, आप चलिए ना अंदर। तो आइए, चलिए आइए आइए। जी जी जी, अम्मा कोई आया है क्या? अरे हाँ, वो फसी के वालिद आए हैं। ये फिजा कहाँ रह गई? इसे आज ही जाना था अपनी दोस्त से मिलने के लिए। ऐसा कर, फिजा को फोन कर और कह के फटाफट घर पहुंचे। फसी कौन? अरे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही शरीफ लड़का, रिश्ता लेकर आए हैं फिजा के लिए। बस तुम लोगों की परेशानी में ना मैं तुमसे और आज़र से जिक्र करना भूल गई थी। कोई बात नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे रे, बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो। अब ऐसा करो, तुम जल्दी से उसे बोलो कि फोन करो कि पहुंचे घर पर। और सुनो, कबाब तुम्हें देख लूंगी, चाय का बंदोबस्त तुम कर लेना। और हाँ, टी शर्ट नया निकालना तुम। हाँ ठीक है, आप एक काम करें, आप जाके आपको कॉल करें, मैं ये सब संभाल। अरे बेटे कबाब मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, आप जाए, मैं देख रही हूँ। या अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसे ही पाया भाई। हमें तो हमारी बहू बहुत पसंद आई। बेटा रखो बेटा। थैंक यू अंकल। अभी तो बेटा आपने हमें अंकल बोल दिया, लेकिन शादी के बाद आपने हमें अबू ही बोलना। अब मैं चाह रहा था कि अगर एक दो दिन में मंगनी भी सादगी से हो जाए तो बहुत मुनासिब हो जाए। लेकिन अहमद साहब, ये तो बहुत जल्दी है, मैंने तो अभी अपने बेटे से बात तक नहीं की। तो बेटे से बात कर लीजिए, बुला लीजिए उन्हें, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत जल्दी है। बात दरअसल ये है कि मेरे चचाजाद भाई का लाहौर में इंतकाल हो गया था। ये जो मैं रिश्ता लेकर तखीर से हाजिर हुआ हूँ, उसकी वजह भी यही है कि मैं लाहौर गया हुआ था। बेवा भाभी है, तीन बेटियाँ उसकी, आपको तो पता ही है ख़ानदानों के रस्म रवाज का। वो चाहते हैं कि ज़मीन और जायदाद घर से ना जाए, और इन तीनों बच्चियों में से किसी एक बच्चे के साथ मेरे बेटे का रिश्ता हो जाए। तो फिर क्या, बगैर माँ के बच्चा है, बहुत लाड और मोहब्बत से पाला है, उसकी बात को टाल नहीं सकता मैं। इतवार को वापस मुझे लाहौर जाना है बेटा, तो मैं चाह रहा हूँ कि हफ्ते के दिन मंगनी हो जाए, ताकि वो मुझे कसम वसम दे के मेरे इरादों से कमज़ोर ना कर सके, डगमगा ना जाए। साहब ये तो वाकई बहुत परेशानी वाली बात है। देखिए, अगर आपकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से तय नहीं होता तो कोई बात नहीं, मेरे बेटे के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है, आपकी बेटी के लिए भी नहीं है। शरीफ लोग हैं आप भी और हम भी, हमने आपको देख लिया, आपने हमें देख लिया, और क्या देखना देखना होता है, क्या लेना देना होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मजीद छानबीन करनी हो तो आप हमारे गरीब खाने तशरीफ लाइए, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। अरे बेटा जाओ, जरा भाभी से कहो कि चाय जल्दी से लेकर आए। जाओ। जी अम्मा। अरे अहमद साहब आप लीजिए ना, और हाँ ये कबाब, मैं सिर्फ अपने बेटे को फोन करके आई। जी जी बेहतर।
बात की रट लगा रखी है, जल्दी है जल्दी है, बेटे से पूछ लूं। अच्छा है ना सब जल्दी जल्दी हो जाए, कब तक मुझे घर में बैठा के रखेंगी? अरे आज़र को बता तो दूं, पूछ तो लूं उससे। आज़र ने शादी करने से पहले आपसे पूछा था, बताया था, नहीं ना दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था। अरे अगर उसने गलत किया तो जरूरी है कि मैं भी वही करूं जो उसने किया है। फोन मिला रही हूं उसको, अगर उठा लेते आना चाहेगा तो आ जाएगा। एक बात ध्यान में रख लें, उनके अब्बा ने कह दिया है कि उनके बेटे को रिश्तों की कमी नहीं है। और मुझे भी कुछ शौक नहीं है सारी जिंदगी तुम्हें अपने सर पर बिठाने का। अच्छा जाके देखो जरा पलवशा ने चाय बनाई कि नहीं। अरे जाओ ना। ये मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। लेकिन पापा अम्मा ने कहा था कि मैं लेकर जाऊं, क्योंकि फसी के वालिद से मेरा भी तारुफ हो जाए। तुम मंगनी पे मिल लेना। क्या मतलब? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए जब शौहर की बड़ी बहन का रिश्ता आता है तो उसके ससुरालियों के सामने अपना मुंह लेके नहीं चले जाते, बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। मुझे भी कोई शौक नहीं है जाने, वो तो अम्मा ने कहा था इसलिए मैं जा रही थी। और अम्मा को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने मना किया है, उनसे कह देना कि मुलाकात हो गई। अब जाओ। बलबशा जी हम तुम अहमद साहब से मिली? जी। कैसे लगे तुम्हें? अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे। तो बस ठीक है भाई, मैं तो मंगनी के लिए हाँ कर रही हूँ। अरे आसिफ को फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया और अपना फोन इसने पता नहीं कहाँ जाके रख दिया। देखो बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर मैंने इस रिश्ते को ना कर दिया तो ये जो फिजा है ना वो तो मेरी जान अजाब में करके रख देगी। अम्मा मेरा ख्याल है कि आप रात तक की मोहलत मांग लो और फिर आज़र से बात करके फोन पे कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब ऐसे ही करूंगी मैं। ठीक कह रही हो। ये बात तो बिल्कुल सच है बेटा। ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। देखती रहो अल्लाह तुम्हारे नसीब सबसे अच्छे कर। आमीन आमीन। खैर मुझे क्या, जब फिजा आपा साहब जवाब देकर चली गई है तो मैं इतना क्यों सोचूं। अम्मा आज ही रिश्ता है और आज के आज ही तुम्हें जवाब भी देना कंफर्म करके, दो दिन बाद मंगनी भी। भाई इतनी जल्दबाजी किस बात की है? अरे जा कर रहा है सर, बैठ ना, बैठ सकूं से बैठ इधर बात। अम्मा बात करने को रह गया, तुम तो इतनी सड़न चल रही हो कि तुमने फटाफट सब कुछ तय भी कर दिया है। भाई वाह, आपा तुम्हारी सौतेली बेटी होगी लेकिन मेरी तो सगी बहन है ना, तो भाई होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि रिश्ते की जांच पड़ताल कर लूं। देख मेरे सामने ना तू ये सगे सौतेले की बकवास मत करना वरना किसी काम में हाथ नहीं डालूंगी मैं। अरे आज थोड़ी आया रिश्ता, एक दिन थोड़ी हुआ है, एक हफ्ता हो गया है। अब वो तेरी बीवी की परेशानी में, अरे भूल गई मैं, नहीं याद रहा मुझे तुझे बताना। और वैसे भी तुझे वक्त है क्या घर के लिए? 10,000 कामों में तो तूने अपने हाथ डाले हुए हैं। अम्मा तुम समझ नहीं रही हो, इस रिश्ते की बहुत सारी बातें गैर मामूली हैं। लड़के की उम्र कम है, उन्होंने कोई शर्त भी नहीं रखी, दो दिन में मंगनी करनी है, भाई ऐसा किधर होता है। अरे एक तरफ तो बहन की इतनी फिक्र है तुझे कि घड़ी की चौथाई में उसका रिश्ता तय हो जाए, शादी हो जाए उसकी, जब रिश्ता घर चल के आया है तो तू नाशुक्रापन कर रहा है। तुझे बता तो दिया कि कौन लोग हैं, लड़के का नाम फसी है और बाप का नाम अहमद साहब है और उनका वो जो बिजनेस है ना, अरे वो कारोबार क्या है, वो गाड़ियों के पार्ट पुर्जों का है और मसालों का भी कोई कारोबार करते हैं। अब अगर तू चाहे ना सब कुछ तुझे बता दिया, छानबीन कर ले। मां तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी रिश्तेदारी लगती है उनसे। अरे भाई छानबीन करने के लिए वक्त लगता है जो तुम दे नहीं रही हो। वो दुकान पे जितना भी लकड़ी का सामान है ना सब में दीमक लग गई है, सारा सामान दुकान के बाहर पड़ा हुआ है, सारा दिन मुझे दुकान में रहना पड़ता है। वो नई दुकान वाला लड़का रहीम वो भी बीमार पड़ा हुआ है, जमाल देखता है, जिम्मेदारी किसकी रही फिर मेरी? मुझे ये रिश्ता पसंद है
और मैं ये चाहती हूँ कि दो दिन बाद मेरी मंगनी हो, बस। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन जरूरी बात क्या है? तुम्हारी खुशी की जमानत होना, अब मार्केट से उनकी रेपुटेशन को पता करना है, उनके घर के बड़े बुजुर्गों को जमा करो, मंगनी करो पहले, उसके बाद 4 महीने बाद शादी, ताकि पता तो चल सके लड़के वालों के तौर तरीके क्या है, यहाँ पर खुश भी रह सकती है नहीं। मैंने मगरिब की नमाज में इस्तखारा किया था, हाँ आई थी उसमें, मुझे कोई छानबीन करने की जरूरत नहीं है। फिजा मैंने कहा ना तो चुप रहे, अरे बात करने दे मुझे, तू चुप कर। अरे क्यों चुप कर जाओ, बताने दे मुझे उसे। हाँ मैं मर गया, बट्टे सट्टे का रिश्ता खत्म हो गया, ऊपर से वो बुड्ढे का रिश्ता उसकी बेटी लेकर आ गई, माँ चाहिए, उससे तो बहुत बेहतर है ये रिश्ता।